प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्टैंड अप इंडिया योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कौशल विकास केंद्र का भी उद्घाटन किया। उन्होंने इस योजना से जुड़े एक पोर्टल को भी लॉन्च किया। पीएम मोदी ने ई रिक्शा पाने वाले लाभार्थियों के साथ चौपाल लगाकर चाय पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने चुने गए लोगों को स्टैंड अप इंडिया लोन का स्वीकृति पत्र दिया। पीएम मोदी ने मुद्रा योजना के तहत 5,100 ई रिक्शा को झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा जनजाति समुदायों और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इसके तहत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक ऋण दिया जाएगा। इस योजना से 2.5 लाख लोगों को ऋण मिलने की आशा है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा इस प्रकार के कम 2 ऋण देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी बैंकों की हर एक शाखाओं में कम से कम 2 SC/ST समुदाय के परिवारों को 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा, जिससे न केवल रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं को राहत मिलेगी, वहीं रोजगार का सृजन भी होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम को पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाला सशक्त माध्यम बताया और कहा कि स्कीम के जरिए इन वर्गों से 2.5 लाख उद्यमी तैयार होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विश्व की तरक्की के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किए जाने पर जोर दिया है। वर्ष 2014 के राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार समारोह के मौके पर कहा कि भू वैज्ञानिकों का अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने जनसभा को संबोधित किया। उधर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। इस चरण में 62 सीटों के लिए 21 अप्रैल को मतदान होगा। केरल कांग्रेस एम पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बुरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने वीरभद्र को CBI को जांच में सहयोग न करने के लिए फटकार लगाई है। वहीं CBI ने कहा कि उनके पास वीरभद्र के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उधर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात कर राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा जिले में आज आतंकवादियों व सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जो अभी तक जारी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि आतंकवादियों के एक समूह की उपस्थिति के बारे में सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने पुलवामा के गदूरा गांव को घेर लिया। घेरा कसने के बाद छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। दिल्ली से आगरा तक जाने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को निजामुद्दीन स्टेशन से आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि आने वाले समय में सभी तरह की ट्रेनों की गति बढ़ाने की कोशिश हो रही है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली से आगरा तक की दूरी अब महज 100 मिनट में तय की जा सकेगी। बिहार में आज से पूर्ण शराबबंदी के फैसले पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। इस बात की घोषणा करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले देसी और मसालेदार शराब पर ही प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया था, लेकिन जनता के भारी दबाव के बाद पूर्ण शराबबंदी का फैसला किया गया। एक स्टिंग ऑपरेशन में कोलकाता के मेयर के कथित खुलासे पर BJP ने पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। BJP ने कहा है कि इस खुलासे से ये साफ हो गया है कि ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है और ममता की अगुवाई में पश्चिम बंगाल बर्बाद हुआ है। प्रत्युषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया गया है। टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी द्वारा कथित तौर पर खुदकुशी करने के मामले में पुलिस ने राहुल राज सिंह से पूछताछ की थी। अरब सागर में तैनात अमेरिकी नौसैन्य बलों ने हथियारों के जखीरे वाले एक पोत को जब्त किया है। अमेरिका का मानना है कि हथियारों की आपूर्ति ईरान से यमन में हूती विद्रोहियों को की जाने वाली थी। गश्त लगा रहे पोत US सिरकोको ने हथियारों वाले पोत को बीते 28 मार्च को रोका। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा कि क्रिकेट के देश में इस शीर्ष संस्था ने खेल के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उच्चतम न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बोर्ड को इसके सदस्यों ने परस्पर फायदा पहुंचाने वाला संगठन
बनाकर रख दिया है।